गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजन मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्कबुक, एमपी बोर्ड वर्कबुक लेसन फर्स्ट पेज नंबर 2। इस पे एक पोएम दी गई है और इस पोएम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद में इनके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बुक सामने लेकर बैठेंगे। पेज नंबर 2 है, रीडिंग टाइम, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आई वॉक बिफोर द मॉर्निंग, सुबह के पहले मैं उठता हूँ, मतलब दिन निकलता है उससे पहले मैं उठता हूँ। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, दिन भर खुश रहता हूँ। आई नेवर सेड एन अगली वर्ड्स, अगली मतलब बुरा या बदसूरत। मैं कभी कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, बट स्माइल्ड और मुस्कुराता हूँ। एंड स्टक टू प्ले, स्टक एक वर्ड है, स्टक का अर्थ होता है अटका हुआ होना या उलझा हुआ होना। तो मैं खेल खेलने में उलझा हुआ रहता हूँ या खेल खेलता रहता हूँ। एक से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्ड मैं आपको जिनके मीनिंग बता रहा हूँ उनको आप नोट करते जाइए, इससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और आपका शब्दकोश बढ़ेगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टक वर्ड का अर्थ है अटका हुआ होना या उलझा हुआ होना। अगले पेज पर चलते हैं। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, दिन जब खत्म होता है तो सूरज जो है जंगल के पीछे जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। डाउन मने नीचे, बिहाइंड मने पीछे, और डब्ल्यू ओ डबल डी वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है लेकिन यहां पर इसका अर्थ है जंगल, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूं। फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने जो भी किया है वह अच्छा किया है। माय बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश, अब शाम का समय है तो मेरा जो बिस्तर है वह मेरा इंतजार कर रहा है जो कि ठंडा और ताजा है, फ्रेश है। विथ लिनेन स्मूथ फेयर, लिनेन का अर्थ होता है ए फैब्रिक वुवन विथ फाइबर्स फ्रॉम ए फ्लैक्स प्लांट, मतलब लिनेन का अर्थ होता है कि पटसन, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्लैक्स का जो प्लांट होता है पौधा, उससे बना हुआ है मेरा बिस्तर, और जो कि स्मूथ है, चिकना है, और फेयर मतलब अच्छा है। एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन बाय, इन मतलब अंदर, ऑफ मतलब से दूर, अब मुझे बिस्तर में जाने के लिए या सोने के लिए उसमें जाना पड़ेगा, किसमें जाना पड़ेगा, इन माई बेड। एंड Not forget my prayer, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी प्रार्थना नहीं भूलना है। Forget का अर्थ होता है भूलना, prayer मतलब प्रार्थना। I know that till tomorrow I shall see the sunrise, और मुझे यह भी याद रखना है कि कल मुझे sunrise को देखना है, sunrise को देखना है, मैंने सूर्य उदय को देखना है, तो उसके लिए मुझे पहले उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा सूर्य उदय के पहले। No ugly dream shall threaten my mind, अगली मतलब बुरा, ड्रीम मतलब स्वप्न, फ्राइटन मतलब डरावना, और ना ही कोई डरावना सपना मुझे सताएगा। नो अगली साइट माई आईज, और मेरी आंखें कोई बुरे दृश्य को नहीं देखेगी। बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली टिल आई वेक इन द डॉन, यहां पर फिर नया वर्ड आया स्लम्बर, स्लम्बर का अर्थ होता है नींद, डॉन डी ए डब्ल्यू एन डॉन का अर्थ होता है भोर या प्रभात। तो कह रहा है बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली टिल आई वेक इन द डॉन, परंतु नींद मुझे अच्छे से बांध कर या सुला कर रखेगी। टिल आई वेक इन द डॉन, मैं सुबह प्रभात में या भोर के समय उठूंगा तब तक। एंड आई हियर द थ्रसेस सिंगिंग इन द लाइलक्स अराउंड द लॉन, फिर यह नया वर्ड आया है थ्रसेस, थ्रसेस का अर्थ होता है गीत गाने वाली चिड़िया, और लाइलक्स का अर्थ होता है हल्का बैंगनी रंग। तो कह रहा है कि सुबह जब मैं उठूंगा तो गीत गाने वाली चिड़ियों का जो गीत है, उनका सॉन्ग है, उसको मैं सुनूंगा, जो कि जो लॉन है, लॉन का अर्थ होता है घास का मैदान, और ऐसे घास का मैदान जिसके घास को काट छाट कर बराबर किया गया हो या जिसको काटा गया हो। एज यूजुअल हम जो प्लेइंग ग्राउंड होते हैं, जैसे क्रिकेट का प्लेइंग ग्राउंड होता है, उस इस प्रकार के गार्डन को हम लॉन कहते हैं। तो कह रहा है कि इस अर्थात वह जब सुबह उठेगा तो वह हरे भरे घास के मैदान में गीत गाने वाली चिड़ियों को सुनेगा,
ठीक है, तो अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, लड़का दिन भर खुश क्यों रहा। द बॉय वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो ही वाज हैप्पी ऑल द डे, वह सुबह जल्दी उठा इसलिए वह दिन भर खुश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले उसने क्या याद किया। द बॉय रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड, सोने से पहले उसने ईश्वर से या भगवान से प्रार्थना करने को याद किया या प्रार्थना को की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉय होपिंग व्हाइल गोइंग टू बेड, जब वह सोने के लिए गया तो उसने उससे पहले क्या उम्मीद रखी अपने आप से। उसने उम्मीद रखी कि अगले दिन जब वह उठेगा तो सूर्योदय को देखेगा, मतलब सूर्योदय से पहले वह उठेगा। तो आंसर होगा, द बॉय वाज होपिंग टू सी द सनराइज नेक्स्ट मॉर्निंग विदाउट फियरिंग इन ड्रीम, मतलब सपने में डरने की बजाय उसने यह उम्मीद की कि वह सुबह जल्दी उठेगा और सनराइज को देखेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वॉक अप, जब वह सुबह उठा तो उसने क्या पाया। व्हेन ही वॉक अप ही हर्ड द थ्रसेस सिंगिंग इन द लाइलक्स, जब वह सुबह उठा तो उसने गीत गाने वाली चिड़ियों को सुना। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।